सोचा नहीं था कि इतना बड़ा दरबार मिल जाएगा <laughs> मेरे पास शब्द नहीं है बाबा पहली बार, बार मैं जिंदा हुआ हूँ यहाँ पर दरबार में बाबा जी मैंने पांच बार आया है पांच अनुभूति पाया है पहली बार तो मैं मर के गया थी कुछ नहीं समझ पाया लेकिन इस बार मेरा मन में जो फूट रहा है सो आप सब जानते हैं बाबा जी हरिहर बाबा जी खुश हो बेटा बताओ जनकपुर धाम नेपाल से आए है नेपाल जिंदाबाद खुश जी नहीं। आपका विशेष कृपा है नेपाल बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कितना इतना बड़ा दरबार मिल जाएगा <laughs> मेरे पास शब्द नहीं है बाबा <laughs> खुश हो बेटा बाबा माँ के लिए कुछ लाए है आपके लिए बाबा के अच्छा सारे से बाबा लाए के लिए कुछ लाए हो आपके लिए माँ के लिए मैं अपना भोलेनाथ के भी ले ले आया अच्छा ठीक है बेटा बहुत ने, आपको। बाबा ने ये सारा किया था से ले आओ तुम तो मैंने ले आ, गाय का घी अपने हाथ से बनाया है तिल का लड्डू अच्छा, सेहत लाए बहुत अद्भुत लाई है आपको अमृत ले आई है बाबा के इशारा से लाए बाबा जी बाबा जी बाबा जी का मुझे विशेष तो कृपा है इस, लेकिन इस धरती में दो चीज अमृत है पता है कौन कौन एक अमृत है गाय का जो दूध है ना अमृत है उससे बनने वाली चीज अमृत देशी गाय का और दूसरा अमृत है शहद वो भी देसी शहद लाए है बाबा जी अपने भोलेनाथ के लिए दोनों अमृत लाई है उसी का है सब बाबा जी मेरा तो कुछ नहीं है खूब खुश हो बेटा आप जान रहे हैं मन मेरा। रहे है। में मेरा पहली बार मैं जिंदा हुआ हूँ यहाँ पर दरबार में बाबा जी मैंने पांच बार आया है पांच अनुभूति पाया है पहली बार तो मैं मर के गया थी कुछ नहीं समझ पाया लेकिन इस बार मेरा मन में जो फूट रहा है सब सब जानते हैं बाबा जी <laughs> क्या मेरे पास तो शब्द नहीं है बाबा अच्छा बेटा अच्छे रहोगे बाबा जी नेपाल वालों से कल मुलाकात कर बाबा जी बाबा हाँ। जी तो दो हवन मुंह से वनडे करवा लिया है लेकिन फाइल क्यों रोक के रखा है बाबा जी नाराज है क्या है इस बार में मना के जाऊंगी घर से बोल के आए है आंखें बंद करो देख ये जो अधूरे संकल्प करती इनके सारे संकल्प जो अधूरे पूरे कर दिए जाए जो करना चाहती कर नहीं पाते वो सब संकल्प पूरे किए जाए चुके जितने तो इसमें किया है कष्ट और अनुभव प्रहार आज के बाद से इनको जैसे इनको कोई कष्ट महसूस हो उसी समय कष्टों का संकल्प पूरा हो जाएगा और वो कष्ट नष्ट हो जाएगा इसमें के जानते प्रहार शिव पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय 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 आख खोल लो बंदन कीचो बेटा पांच बार लड़की मेरा जो चार जनवरी के ओंडे करके गया था ना तो उसको क्या हुआ हम लोग समझ नहीं उसी के चलते हम पूरा मेरा शरीर का तो पूरा कष्ट बाबा ने हर लिया मैं बता नहीं कितना कष्ट है बस वो भी अपना प्रार्थना संकल्प कर लिया बाबा उसी मतलब वो दरबार के खिलाफ हो गया है अचानक इसीलिए कह रहे हैं प्रार्थना संकल्प नहीं करती होश में नहीं बाबा जी हाँ तो आप जानते हो तो आप किया करो हथेली पकड़ के उसका और आप संकल्प कर दिया करो घर फोटो है कपड़ा लाए है बाबा जी कपड़ा हाथ पकड़ो आखे बंद करो और उस बच्ची को ध्यान दो फाड़ दिया जाए पूरा मस्तिष्क से सब गंदगी फाड़ के बाहर निकाल सब गंदा गंदा दिखाई देना गंदा गंदा उसके साथ होना गंदा गंदा समझ में आना चीजें दिखाई सुनाई देना उसके साथ गंदगी होती जो हरकत होती है उसके साथ जो रेप होते हैं सूक्ष्म जगत से उसकी सभी स्मृतियाँ नष्ट की प्रहार पागलपन की सभी स्मृति नष्ट कर दी पेशी की सभी स्मृतियाँ प्रहार नष्ट कर दी जाए सबसे खिलाफ शिव डुबो दिया जाए दोनों दिए से पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय 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 अपना बंधन खींचो पांच में ठीक है बाबा जी तो मुझसे क्यों ओसीडी थी बेटा उसको ओसीडी थी सबसे सब नफरत घर हाँ, में नहीं रहना चाहती सबसे नफरत करती थी अभी नष्ट किया है दरबार बाबा एक और था अपना प्रार्थना संकल्प अगर आदमी कर ले तो अच्छा नहीं। मना नहीं। नहीं। बाबा जी एक साल पहले मैंने विराटनगर में एक फ्लैट लिया था तो उसका मतलब रजिस्ट्रेशन पास नहीं हो रहा आधा पैसा ले लिया है लेकिन मजबूरी केस करना पड़ रहा है अर्जी लगा दीजिएगा सुबह बाबा के दरबार में अच्छा ठीक होगा खुश हो